जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप सबको मेनी मेनी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज इस खास मौके पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही यूनिक सा अतरंगी फूड चैलेंज। आई विल ईट फूड एज पर द लेटर ऑफ आवर कंट्री इंडिया इन ट्राई कलर ओनली। मतलब इंडिया जो वर्ड है उसमें जितना भी लेटर्स है उसी लेटर्स के अकॉर्डिंगली मैं 24 घंटे के लिए खाना खाऊंगी, और जो भी खाऊंगी सिर्फ और सिर्फ ट्राई कलर में खाऊंगी। बहुत ही मजेदार, बहुत ही यूनिक चैलेंज होने वाला है गाइस। तो विदाउट फर्दर एडू गाइस, आइए आज का दिन का शुरुआत करते हैं, और मैं आपके साथ मिलती हूँ दिन का सबसे पहला ट्राई कलर ब्रेकफास्ट के साथ, वो भी लेटर आई से। देखते रहिए। तो गाइस, मैं किचन में आई हूँ बनाने के लिए आई से इडली, और हम लोग ऐसा वैसा नॉर्मल इडली नहीं, ट्राई कलर इडली बनाने की कोशिश करने वाले हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ रावा इडली, क्योंकि मुझे लगता है वो हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर MTR की जो रेडीमेड इडली मिक्स मिलता है उसी को मैंने इस्तेमाल किया है, और उसको मैं मिक्स करने वाली हूँ यूजिंग खट्टा वाला दही, क्योंकि खट्टा दही इस्तेमाल करने से आपकी जो इडली होता है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो मैं थोड़ी सी पानी दूंगी पर ज़्यादातर दही दूंगी। अब देख सकते हो कि मैंने बैटर को प्रिपेयर कर लिया है। अभी इस बैटर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहला पार्ट है वाइट, सेकेंड पार्ट में मैं जो वाइट बैटर है उसी में ऐड कर दूंगी कैरेट्स के प्यूरी। कैरेट्स को मैंने ग्राइंडिंग जार में मैश करके ऐसे प्यूरी बनाया है। मैं यूज़ करूंगी ग्रीन, ये पालक की प्यूरी है, पालक की प्यूरी से मैं ग्रीन वाली इडली बना लूंगी। और हम लोग का तीनों बैटर तैयार हो गया है। अभी एक छोटा सा टिप है मेरे तरफ से, मैं ऐसे हल्का सा बटर या ऑयल जो है प्लेस कर देती हूँ ये इडली स्टैंड के ऊपर, इससे जो है इडली आराम से निकल आता है और चिपकता नहीं है और टूटता भी नहीं है। दिस इज़ स्मॉल नुस्खा, अगर आप चाहो तो फॉलो करो, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हो। तो मैं अभी इडली के बैटर को जो है इसी शेप के यानी मोल्ड्स के अंदर प्लेस कर दूंगी, और ये दिखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है आप देख ही सकते हो गाइस। और मैं इसको अभी स्टीम करूंगी प्रेशर कुकर में। तो इडली को प्रेशर कुकर में स्टीम करने का अपना तरीका होता है। प्रेशर कुकर को सबसे पहले खाली बिठा दो, और जब आप प्रेशर कुकर इसमें स्टीम करोगे विसल और जो रबर कॉर्ड है उसको यूज बिल्कुल मत करना, बस गैस जलाओ, अंदर में स्टैंड को बिठा दो और फुल आंच में छोड़ दो लिड लगा के फॉर 10 मिनट्स, जब तक कि धुआं ना निकले। आप देखोगे कि ये जहां पर जो सीटी लगा रहता है ना वो जगह से धुआं निकलेगा, तो फ्लेम को कम कर दो और फिर वापस से कुक करो फॉर 10-15 मिनट्स एंड योर इडली विल बी डन। मैंने इस इडली को सांभर के साथ लाई हूँ क्योंकि मुझे सांभर ज़्यादा पसंद है, और कितना क्यूट और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कलरफुल लग रहा है, आप देख सकते हो। अभी तो दिखने में तो अच्छा लग रहा है, खाने में कैसा लगता है वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए ये ट्राई कलर इडली के साथ ब्रेकफास्ट को शुरू करते हैं। लेटर आई से मैं लेके आई हूँ ट्राई कलर वाली इडली। यम्मी एंड हेल्दी दोनों साथ में, सो गुड। सरप्राइजिंगली नाइस, यम। सो सॉफ्ट, एकदम मुशी। मैं एक और इडली लेके आती हूँ, फिर आपसे मिलते हो लंच के टाइम में, देखते रहिए। तो अभी बारी है अल्फाबेट N की फ्रॉम द वर्ल्ड इंडिया। तो N से हम लोग खाने वाले हैं नूडल्स, और वो भी ऐसा वैसा नूडल्स नहीं, ट्राई कलर नूडल्स हम लोग खाने वाले हैं। पर मैं यहाँ पर आपके साथ जो स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स होता है जो कोलकाता में बहुत फेमस है उसी का रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आपको नूडल्स बॉयल करनी है, और बॉयल करने के टाइम वाटर पे थोड़ा सा
ऑयल दे दे, इससे नूडल्स एक दूसरे के साथ चिपकता नहीं है। फिर जब तक नूडल्स बॉयल होगा, हम लोग यहाँ पर जो वेजिटेबल्स है उसको फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल दिया है। इस ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे एक होल अनियन स्लाइसेस, फिर हम लोग ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज चॉप्ड, और ऑनियन और ग्रीन चिलीज को अच्छे से हम लोग तलेंगे जब तक इससे रॉ स्मेल चला ना जाए। वंस रॉनेस हैव गॉन, मैं इसके अंदर डाल दूंगी आपका ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे बीन्स, कैरेट्स और कैप्सिकम मैंने डाले हैं। फिर बीन्स, कैरेट्स एंड कैप्सिकम को मैं काफ़ी अच्छे से फ्राई करूंगी जब तक कि ये थोड़ा सा क्रिस्पी ना बने। वंस इट हैज़ बीन कुक्ड लिटिल, देन मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी फ्राइड एग्स, ये स्क्रैम्बल एग्स है जो मैंने दूसरे पैन में बनाए थे, वो ऐड कर दूंगी और फिर से इसको मिलाने लगूंगी। और अभी जो है आप देख सकते हो हम लोग का नूडल्स एकदम बॉयल हो चुका है, तो मैंने उसको निकाल लिया और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी नमक छिड़का है और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, इससे नूडल्स एक दूसरे से अलग रहता है। मैंने अभी पूरा वेजीज में नूडल्स को ऐड कर दिया है और अच्छे से मैं इसको मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं इसमें ऐड कर दूंगी ब्लैक पेपर और सॉल्ट। ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट ऐड करने के बाद फिर से मैं मिलाऊंगी, और इसके हम लोग का जो व्हाइट पार्ट ऑफ द नूडल्स है वो बन चुका है, तो व्हाइट पार्ट ऑफ द नूडल्स को मैं निकाल के साइड कर लूंगी और फिर इसके अंदर ऐड कर दूंगी चिली विनेगर और हल्का सा सोया सॉस। इन दोनों को ऐड करने से इसका जो कलर है बिल्कुल ऑरेंजिश रेडिश हो जाएगा। एंड मैंने प्लेट भर के ट्राई कलर नूडल्स ला चुकी हूँ। कॉर्नर में है हम लोग का स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स, मिडिल में है हमारा घर में बना हुआ होम स्टाइल व्हाइट नूडल्स, क्योंकि मम्मी डांटती है ना, ज़्यादा सोया सॉस खाने से मना करती है ना, सो बिल्कुल होम स्टाइल है वो। और फाइनली है पेस्टो पास्ता स्टाइल नूडल्स, मतलब ग्रीन पेस्टो सॉस के साथ ये नूडल्स बना होता है, इसको मैंने ऑर्डर दिया है। तो आइए ये दिलचस्प नूडल्स को खाते हैं और देखते हैं। वैसे मैंने आधा तो कंप्लीट कर ही दिया है और आधा बाकी है। आप अपने इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो मेरे साथ जरूर शेयर करना गाइस, और मैं इसको खत्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ तीसरे डोज के साथ। देखते रहिए, व्हाइट नहीं खा रही हूँ, जो वरा है उसका रंग ऑलरेडी ऑरेंज है। मैं डी से दही वरा, इसके अंदर एक्चुअली इसके ऊपर पुदीने का चटनी दिया हुआ था, पर जब मैंने गई तो मतलब ये पूरा घुल मिल के सफेद हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ वो वाला खाना जिसे मैं बहुत ज्यादा खाना चाहती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा, आइसक्रीम वाला संडे, और वो भी इसमें है अल्फांजो पान फ्लेवर और टेंडर कोकोनट। हम देख सकते हो सारे आइसक्रीम का डब्बा यहाँ पर मौजूद है, और ये दिखने में इतना सुंदर लगता है, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके आने वाली खुशबू। तो मैं एक दो स्कूप करके हर एक आइसक्रीम से लूँगी और इस बोल पे रख दूँगी। प्लीज़ मेरे स्कूप को जज मत करना, मेरा स्कूप का शेप थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रोज़न है। एंड इसके अंदर मैं दे दूँगी ये क्यूई फ्रूट्स, क्योंकि मुझे लगा इट इज़ जस्ट गोना बी फ्रूटिलिशियस एंड डिलिशियस। ये वाला मैं बस थोड़ी सी खाऊंगी, थोड़ी सी, यू नो आई एम जस्ट गोना टच इट। है लेकिन मस्त। मैंने इसको गुप्ता ब्रदर्स से मंगवाया है, मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है गुप्ता ब्रदर्स की दही वड़ा। आऊंगी और पेट पूजा करूंगी अभी। आई से आइसक्रीम, तीन से चार कूप, स्कूप बाबा, तीन से चार कूप, सॉरी तीन से चार कूप आइसक्रीम है। oh, no. इसको मैं खाते हैं। सबसे पहले मैं पान फ्लेवर ट्राई करूंगी, पान। Thank you.
कर दिया मैंने. यू स्क्रीम, आइसक्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम. खत्म हो गया है. पर सोचिए थोड़ा सा लेके आऊं ये वाली अल्फाबेट से एलो फ्रूट जूस. और क्योंकि हमें ट्राई कलर पीनी है तो मैंने ट्राई कलर में ही लाया है. ऑरेंज, व्हाइट वाली है लीची और ग्रीन वाली है क्यूवी. सॉलिड खाने के हालत में नहीं हूँ. आपको लगता है एक ह्यूज बोल ऑफ आइसक्रीम खाने के बाद मेरे पेट में जगह बचेगा कुछ ठूसने के लिए? मैंने अपने मेकअप को तो निकाल लिया है पर टी शर्ट को चेंज नहीं किया क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है तो टी शर्ट में ही पहनना चाहती हूँ. हम लोग एक एक करके सिप मारेंगे तीनों को और पेट को हल्का करेंगे. एलो फ्रूट जो होता है ये एक ब्रांड है, बट लेट मी टेल यू, मे बी इट्स अ ब्रांड नेम, बट इसका नाम एलो फ्रूट इसलिए है क्योंकि इस जूस के अंदर एलोवेरा और फ्रूट की गुडनेस. ए फॉर एलोवेरा, यू गेट द पिक्चर. आई लव दिस वन. I absolutely love this one. Nice. Sort of tastes like green apple, but nice. Main gadha hoon. All good. Oh my god. फिलहाल मैं इस वीडियो को चुप चुप कर रहा है. तो गाइज फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड कर दूंगी क्योंकि मुझे लगता है इससे ज़्यादा खाने के हालत में अब या फिर पीने के हालत में मैं नहीं हूँ. इतना डिफरेंट वैरायटी ऑफ खाना आज मैंने खाया है, बट कुछ अलग किस्म का खाया है. इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. आई होप आपको आज का ये अतरंगी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वाला चैलेंज अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. मैंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो सोना, कर दो ना सब्सक्राइब. और मैं आपसे मिलूंगी नए वीडियो के साथ. बहुत ही अच्छे से रहिए. टेक केयर, बाय, गुड नाइट, जय हिंद.